सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जयणम नमो लोहित त्रिकाणवर्ती सवसामणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नम समय साराय स्वानुभूतिया चकासते ची स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञान्ति मिरांधानम नाना जन सलाकया चक्षुर्मिलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री ने भरक्षेत्र के अंदर में 45 वर्षों तक दृष्टि का निदान जगत के भव्य जीवों को दिया। 45 वर्षों तक आत्मा की दृष्टि कैसे हो सकती है, आत्मा का वास्तविक स्वाभाविक स्वभाव कैसा है, राग से आश्रव से भिन्न कैसे हुआ जाए, समर निजरा मोक्ष की उत्पत्ति कैसे हो, इसके विधि विधान अत्यंत स्पष्ट किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने यह कहा कि भाई तू वर्तमान में परमात्मा है, वर्तमान में परमात्मा को देखने का विधान बताया। ऐसा कहा कि हे भव्य तू शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को मत देख, शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को मत देख, तेरे अंदर में पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है, तेरे पास में पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है, उसे देख। अरे भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप के समीप में ही है, पूर्णानंद के स्वरूप के समीप में ही है, मतलब तू कहीं दूर नहीं है पूर्णानंद के स्वरूप, एकदम उसके पास में है। जहाँ पूर्णानंद का प्रभु है, पूर्णानंद का भगवान आत्मा है, वहाँ पे तू है, उसके समीप में है बिल्कुल, वह दूर कैसे रह सकता है, तेरा प्रभु तेरा भगवान तेरा परमात्मा तेरे से दूर कैसे रह सकता है। प्रभु एक बार देख उस भगवान आत्मा को। इस प्रकार दिगंबर संतों की वाणी शंखनाद करती हुई आती है कि तेरे समीप पूर्णानंद का स्वरूप पड़ा है, उसे तू आज ही देख। ये गुरुदेव श्री का दृष्टि के निदान में 6 नंबर का बोल है, उसे तू आज ही देख, आज अभी, आज ही देख, आज ही स्वीकार कर। पहले तो सीधा कहते आज ही देख, फिर कहते आज ही स्वीकार कर। तूने आज तक स्वीकार नहीं किया कि मैं पूर्णानंद का प्रभु हूं। तू राग को कम करने में, शरीर में से दृष्टि हटाने में, एक समय की पर्याय के ठीक ठाक करने में, उसको वालने में, झुकाने में लगा हुआ है। कितने सब जगह से तू दृष्टि हटा दे, किसी जगह पर मत देख, पूर्णानंद के प्रभु के सामने देख प्रभु। तू आज उसे तू आज ही देख। देखिए वस्तु ऐसी है कि आज देखने से आज मिल सकती है, उसके आज ही देखने का उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, आज ही स्वीकार कर। और हा पाड़, हा करते ही हालत पर्याय में प्रभुता प्रकट हो जाए, तू ऐसा पूर्णानंद का नाथ है। हा पाड़ते ही हालत हो जाए, यानी कि पूर्णानंद का प्रभु तू है ऐसा प्रकट हो जाए, ऐसा पूर्णानंद का नाथ तेरे पास पड़ा है प्रभु। अत्यंत मंगल संदेश, अत्यंत अद्भुत उपदेश, वस्तु की व्यवस्था को अत्यंत सरल तरीके से भी तुम्हें क्या करना है, तो कि शरीर का लक्ष्य छोड़ना है, राग का लक्ष्य छोड़ना, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ना। तो तेरे पास तेरा पूर्णानंद का प्रभु पड़ा हुआ है, उसको देख, तेने जो उसको देख। अरे भगवान
तो पूर्णानंद का स्वरूप समीप में ही पड़ा हुआ, उसको दूर कैसे रह सकता है? दूर नहीं रह सकता प्रभु, तेरे समीप में पूर्णानंद का प्रभु पड़ा हुआ है। तू आज ही देख, आज ही स्वीकार कर कि मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ। ऐसा अद्भुत उपदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया है। अपन गुरुदेव श्री की बात को रुचिपूर्वक सुने तो बात तो इतनी सरल है कि फड़फड़ाहट सड़सड़ाहट आत्मा के अंदर में चला जाए। देखिए यहाँ पे भी समय सार परमागम की 73 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार, ये परमागम की रचना कुनकुन आचार्य भगवान, टीका अमृतचंद्र आचार्य भगवान, और समय सार सिद्धि के प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के, और उसके अंदर में कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में अकर्ता की गाथा, तू अकर्ता है इसको बताने वाली गाथा। तू एक है, तू शुद्ध है, तू ममत्व रहित है, तू ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। चार बोल, अभी अपना तीसरा बोल चल रहा है ममता से रहित का। प्रभु बात तो बहुत सरल है, तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न एक बार भी यदि कर लिया तो प्रकट वस्तु है, हाजरा हाजिर वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रकट वस्तु है, नित्य उदय रूप वस्तु है, नित्य उद्योत रूप वस्तु है, और वो स्वभाव से अखंड है, अभेद है, एक रूप है, उसका कभी खंड नहीं होता, उसमें कभी भेद नहीं होता, वो कभी अनेक रूप नहीं होता, अनादि अनंत शुद्ध है वस्तु। तो देखिए ममत्व रहित के अंदर में गुरुदेव श्री बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं, कहता मैं आत्मा, पृष्ठ संख्या 82 है, मैं आत्मा इन पुण्य पाप के भाव का स्वामी पना पुद्गल का है। तब कोई ऐसा कहता कि पुद्गल से होते हैं, पुद्गल का है, पुद्गल है इसलिए, ऐसा कहा ना कि पुण्य पाप के परिणाम है, उसका स्वामी पुद्गल है, उसका मालिक पुद्गल है, मैं नहीं। तो यदि ऐसा कहता तो कोई कहे कि वो तो पुद्गल से होते होंगे, पुद्गल है इसलिए, पुद्गल है जब तो पुद्गल से होते होंगे, ऐसा कोई प्रश्न कहता है तो तुम ऐसा कहते हो कि पर्याय में उपादान स्वयं से होता है, पर्याय के अंदर में जो कार्य होता है उसके उपादान से, स्वयं क्षणिक उपादान से होता है, किसी से नहीं होता। तू यदि ऐसा नहीं मानता है तो बता कि वस्तु स्थिति क्या है। तो कहते यहाँ तो उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए निमित्त के अधीन होते हैं, इसलिए उनके है, ऐसा बताया। पुण्य पाप का परिणाम करने का उनका स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव ही नहीं है तो वो कैसे करे? तो कहते हैं कि वो जब उनका स्वभाव ही नहीं है तो निमित्त के अधीन होने से, निमित्त का अवलंबन होने से, निमित्त का आश्रय होने से, जिसके लक्ष्य परिणाम हुआ वो उसका, उसलिए उसका कहा। होते तो है अपने उपादान से प्रभु, ये बात तो परम सत्य है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव नहीं है तो दोष कैसे हुआ? कि भगवान को देखा तो भक्ति का भाव आया, व्यापारी को देखा तो व्यापार का भाव आया, गृहस्थी के अंदर में देखा तो गृहस्थी चलाने का भाव आया। तो जैसा निमित्त होता है वैसा नैमित्तिक भाव होता है। आज भी पूज्य लालचंद भाई ने अपने प्रवचन के अंदर में बात 356 नंबर की गाथा में ऐसा कहा कि जो परिणाम जिसके होते वो वही होते। ज्ञान यदि पर को जानता ऐसा तू कहेगा तो ज्ञान पर का हो जाएगा, यानी जीव का अभाव हो जाएगा, ऐसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं। सुन प्रभु एक बार शांति से, यहाँ पे क्या कहते हैं? निमित्त के अधीन होते हैं इसलिए उसके ऐसा कहा। स्वभाव बिन बतला ना, अपना स्वभाव कैसा है? तुझे तो आश्रव से निवृत्ति का मार्ग बताना है, स्वभाव का लक्ष्य करवाना है, तो स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव के अंदर में विकार हो ऐसा कोई गुण ही नहीं है। होते तो पर्याय के अंदर में अपने उपादान से, लेकिन विकार तो फिर वो कहता है कि तुम कहते हो कि वो स्वयं से होता है विकार, कर्म से नहीं होता, स्वयं से होता है ऐसा क्यों कहा? कर्म से नहीं होता, क्यों प्रभु? कर्म से नहीं होता, बात तो एकदम सत्य है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का क्या करे? तो स्वयं से होता ये, दूसरे से नहीं होता, दूसरे से नहीं होता, कर्म से नहीं होता, कर्म से नहीं होता। परंतु यह पुण्य पाप के भाव की उत्पत्ति का जीव का कोई स्वभाव नहीं,
यहाँ पे सिद्ध क्या करना कि यदि पुण्य पाप के उत्पत्ति जो होती है वो जीव का कोई स्वभाव नहीं, कोई गुण नहीं, इसलिए उस गुण का स्वभाव नहीं कि विकार की उत्पत्ति करे। आत्मा में अनंत गुण है प्रभु, आत्मा में अनंत 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 अपार गुण है, परंतु कोई गुण विकार करे ऐसा कोई गुण नहीं है। उस अपेक्षा से वह पुण्य पाप के भाव उनका स्वामी पुद्गल और मैं सदा ही स्वामी रूप से मालिक रूप से नहीं परिणमने वाला वह मैं हूँ। वस्तु के स्वभाव को समझाने का विधान ऐसा है कि व्यवहार से, भेद से क्या स्थिति बनी, किसका लक्ष्य करने से कैसा परिणाम हुआ, उसका ज्ञान करवाते हैं करके फिर पर्याय की स्वतंत्रता भी बतलाते कि पर्याय में अपने उपादान से होता है लेकिन उनका कर्म से नहीं होता, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा के अंदर में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसके वजह से विकार हो। अब जब ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जिसके वजह से विकार हो, तो फिर उसको किसी न किसी का ऊपर आरोप देकर व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है कि इसके वजह से हुआ, लेकिन होता है स्वयं से, ये बात तो सत्य है। लेकिन इस अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा में विकार करने का कोई गुण नहीं, इस अपेक्षा से पुण्य और पाप के भाव उनका स्वामी पुद्गल और मैं सदा ही स्वामी रूप से मालिक रूप से नहीं परिणमता हुआ मैं हूँ। पुण्य पाप होंगे परंतु वह मेरे है ऐसा मैं नहीं परिणमता, मैं उनका जानने वाला हूँ लेकिन उसके स्वामी के रूप से मेरे में होते हैं, मैं उनका स्वामी इस रूप से मैं नहीं परिणमूंगा। देखिए वस्तु की व्यवस्था का स्पष्ट ज्ञान करवाया है, क्योंकि आत्मा में विकार करने का कोई गुण नहीं है, निर्विकार करने का गुण है लेकिन विकार रूप परिणाम ऐसा कोई गुण नहीं है। देखिए मुमुक्षु कहते हैं कि यह बात तो यहाँ ही चलती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि मार्ग तो यह है बापू, प्रभु क्या हो क्या कहो, तेरी महिमा की क्या बात हो। उसकी महिमा बतलाने के लिए कहते हैं प्रभु तेरी महिमा इतनी है कि जिसमें विकार होने का कोई गुण ही नहीं है, निर्विकार होने का गुण है। आत्मा के अंदर में अनंत 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 गुण है लेकिन एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जिसके वजह से विकार हो, लेकिन निर्विकार हो, स्वभाव रूप परिणमन हो, ऐसे गुण है आत्मा के अंदर में। जैसा स्वभाव है उस रूप परिणमन होता है, तो विकार रूप परिणम ऐसा कोई गुण ही नहीं है, निर्विकार हो ऐसा गुण है, इसलिए तू ऐसा निर्णय कर। अभी ये उपदेश देते हैं कि उसलिए तू निर्णय कर विकल्प द्वारा, क्योंकि झट से सीधा निर्विकल्प हो जाए ऐसा नहीं होता, उसलिए ऐसा कहता विकल्प के अंदर में खड़ा रहकर, आंगन के अंदर में खड़ा रहकर राग मिश्रित विकल्प से बात को तू तय कर, निर्णय कर, विचार कर, विकल्प से ये बात को समझ कि मैं एक ज्ञायक मातभाव स्वरूप प्रभु हूँ। विकल्प के अंदर में शुरुआत यहीं से कर, क्या निश्चय क्या करेगा विकल्प के अंदर में, निर्णय क्या करेगा कि मैं ज्ञायक स्वरूपी प्रभु हूँ और ये पुण्य पाप के परिणाम जो है उस रूप में नहीं होता हुआ, नहीं परिणमता हुआ, आज भी नहीं परिणमता हूँ और भविष्य में भी नहीं परिणमूंगा, पाप पुण्य के परिणाम होंगे लेकिन उस रूप में नहीं परिणमूंगा, ऐसा निर्धार कर, ऐसा निर्णय कर, तब जाके स्वभाव की तरफ आगे गमन हो पाएगा, पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ चलेगा, दौड़ेगा प्रभु। क्योंकि उनके सदा उनके स्वामी रूप से स्वयं मैं स्वामी होकर परिणमू हुआ मैं नहीं, उनके सदा उनके स्वामी रूप से, उनके सदा उनके स्वामी रूप से, नीचे का पैराग्राफ, स्वामी रूप से स्वयं मैं उनका स्वामी होकर परिणमू हुआ मैं नहीं, इसलिए ममता रहित हूँ, इसलिए मैं ममता रहित हूँ। तो तीन बात कही, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ। अभी चौथी बात कहेंगे ज्ञान दर्शन से पूर्ण हो, अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन से पूर्ण है इसकी बात बताएंगे। ये अपना स्वभाव कैसा है इसके चार बोल लिए, पहले कहा मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा अपना स्वभाव है, उसके अंदर में मैं स्थित रहूँ, लीन रहूँ और ये सब सही करूँ।
ऐसी अद्भुत चर्चा इस प्रवचन के अंदर में, इस गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने की और गुरुदेव ने इसका स्पष्टीकरण किया। क्योंकि मैं कैसा हूँ, चिन्मात्र ज्योति, चेतन 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 ज्योति 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 मैं हूँ, चिन्मात्र ज्योति हूँ, ज्ञान मात्र ज्योति हूँ। चिन्ह चिन्ह के अंदर में दोनों लेना, दर्शन ज्ञान, सामान्य विशेष द्वारा मैं परिपूर्ण हूँ। सामान्य मने द्रव्य और विशेष मने पर्याय, ऐसा नहीं, सामान्य मने दर्शन और विशेष मने ज्ञान। उस स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से ही दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। देखिए अब वस्तु की व्यवस्था कितनी सुंदर है, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, मुझे परिपूर्ण होना नहीं है, मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण। देखिए कितनी जगह पर गुरुदेव ने बात को लिया है, अब मैं हूँ कैसा, अभी तक तो नास्ती से बात की कि ममता रही तो नास्ती से बात की, लेकिन अब मैं कैसा हूँ, तो कहते चिन्मात्र ज्योति, चेतन 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 मात्र ज्योति, चिन्मात्र ज्योति, इसमें दोनों या ज्ञान दर्शन इकट्ठे हो, चेतन मात्र ज्योति, चेतन मात्र ज्योति, ऐसा आत्मा का ज्योति का अर्थांत आत्मा का, ज्ञान मात्र ज्योति का अर्थांत ज्ञान मात्र, चेतन मात्र आत्मा का, वस्तु स्वभाव से ही, वस्तु के स्वभाव से ही, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि सामान्य और विशेष से परिपूर्णता, सामान्य और विशेष से परिपूर्णता, ऐसा वस्तु का स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मैं हूँ। चेतना मात्र ज्योति, चेतना मात्र ज्योति, चेतन मात्र ज्योति, नायक मात्र ज्योति, ध्रुव मात्र ज्योति, आत्मा मात्र ज्योति, ऐसा ज्योति का प्रकाश, ऐसा चेतन ज्ञान दर्शन का प्रकाश, उससे परिपूर्णपना, ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वभाव से ही है। क्योंकि अभी कोई नई से बात नहीं करते, कोई अपेक्षा से बात नहीं करते, भाई स्वभाव से बात करते हैं, स्वभाव से ही मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ। क्या चाहिए हमें, जो स्वभाव से ही दर्शन ज्ञान से पूर्ण, ऐसी मेरी वस्तु, ऐसा मैं स्वयं हूँ, मैं प्रभुवर हूँ, जिनेश्वर हूँ, तीर्थंकर हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, होना नहीं है प्रभु, होने की भावना अनंत काल के अंदर में अनंत भाई, लेकिन कभी भी अपने आप को मिथ्या ज्ञान रूप परिणमता देखा, कभी भी दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ स्वभाव से ही ऐसा नहीं देखा। तो आचार्य भगवान इस बात को बताते, प्रभु तुझे यदि मुक्त होना है तो मुक्त स्वभाव या आत्मा को देख, जो दर्शन ज्ञान से पूर्ण अपूर्ण है और उसमें संकित होगा और फिर आगे चल के केवल ज्ञान होकर पूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। जो स्वभाव से ही दर्शन ज्ञान से पूर्ण है, सामान्य विशेष से परिपूर्णपना है, सामान्य मन दर्शन और विशेष मन ज्ञान, उससे परिपूर्णपना है, दर्शन ज्ञान द्वारा परिपूर्णपना, 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 परिपूर्ण होना नहीं है प्रभु। हम अनादिकाल से अपूर्ण हूँ और परिपूर्ण होना ऐसा प्रयत्न किया, लेकिन ये सामान्य विशेष से परिपूर्णपना है, दर्शन ज्ञान से संपूर्णपना है, स्वाभाविक संपूर्णता है, स्वाभाविक मैं ऐसा हूँ, ऐसा तूने प्रभु एक बार भी सोचा नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, और इस बात का निर्णय भी नहीं किया। क्योंकि अभी तो सिर्फ निर्णय की बात करती है, सब बात की निर्णय करने का कहेंगे, निर्णय करके फिर पश्चात अनुभव कैसे होगा इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन तू पहले निर्णय तो करके मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। ज्ञान की अपूर्णता होती नहीं, दर्शन की अपूर्णता होती नहीं, दर्शन ज्ञान से मैं पूर्ण हूँ, स्वभाव से ही पूर्ण हूँ, पर्याय की चर्चा नहीं है प्रभु। द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष उसकी चर्चा नहीं है, ये चर्चा वो नहीं है, चर्चा है यहाँ पे स्वभाव की, आत्मा की, अपनी, त्रिकाली ध्रुव प्रभाव ज्ञान दर्शन त्रिकाल की चर्चा है, ज्ञान दर्शन त्रिकाल, मैं त्रिकाल, स्वभावी आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सुधात्मा मैं हूँ, सुधात्मा मैं हूँ, सुधात्मा मैं हूँ। प्रभु ऐसा निर्णय तूने एक बार भी नहीं किया, क्योंकि निर्णय करे तो अनुभव एक समय में होता है, निर्णय ही नहीं किया, पहले विचार करके निर्णय करके आगे बढ़ने के लिए उपदेश देते, क्या निर्णय तुझे क्या करना का, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, ऐसा परिपूर्ण अपना स्वभाव है,
देखिए दर्शन और ज्ञान द्वारा परिपूर्ण अपना वस्तु के स्वभाव से ही दर्शन और ज्ञान प्राप्त। पहले चिन्ह मात्र लिया था, उस चिन्ह के दो भाग किए, चेतना थी ना उसके दो भाग किए, ज्ञान और दर्शन। चिन्ह मात्र ज्योति अर्थात ज्ञान मात्र आत्मा, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान स्व आत्मा, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान स्व आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा का अर्थात चेतन मात्र आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। देखिए इस बात के ऊपर वजन है पूरे का पूरा, इस बात के ऊपर में जब तक वजन नहीं आएगा तब तक स्वभाव की महिमा नहीं आएगी। पूरा वजन जोर देना प्रभु इस बात के ऊपर के स्वभाव से ही मैं पूरा हूँ, स्वभाव से ही ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण सामान्य और विशेष। देखिए गुरुदेव ने दो पन्ने के अंदर में एक की एक बात समझाई है कि यहाँ तो चैतन्य चेतन, चेतन मात्र जो वस्तु, उसके जो दर्शन और ज्ञान, सामान्य व दर्शन और विशेष व ज्ञान है, तो दोनों त्रिकाल, ज्ञान और दर्शन दोनों त्रिकाल है प्रभु। पर्याय के अंदर में उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं है, त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही भगवान आत्मा की बात है। स्वभाव से मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, चिन्ह मात्र ज्योति, चेतन मात्र ज्योति, ऐसा अपना स्वभाव, वस्तु स्वभाव से ही परिपूर्ण है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है। मैंने एक ऐसी बात है जिसके अंदर मैं पूरी मस्ती चढ़ जाए एकदम, मैं पूर्ण हूँ, मैं अपने को अपूर्ण मानता हूँ और पूर्ण होने का प्रयत्न करता हूँ तो वस्तु समझ में ही नहीं आती, वस्तु का विश्वास ही नहीं होता, न गुरु की बात का विश्वास करता है, न आचार्य भगवंतों की बात का विश्वास करता है, न तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का विश्वास करता है। ये तो तीर्थंकर परमात्मा की सीधी वाणी का विश्वास ही नहीं करता प्रभु। गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुझे कभी विरह नहीं लगा आत्मा का, जो तुझे इसका विरह लगा होता तो तू रोता इसके बिना, इसके बिना तुझे चैन नहीं पड़ता, उसके बिना तू विलखता पूरा का पूरा। मैं परमात्मा, मेरे समीप परमात्मा आनंद गंध प्रभु खड़ा पड़ा है, और मैं तू उसके ऊपर देखता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना रिपीट करता हूँ। मैं तो परिपूर्ण, सामान्य और विशेष से परिपूर्णता पूरापना होने से, सामान्य और विशेष से पूरापना है, दर्शन से और ज्ञान से पूरापना है, और पूरापना होने से परिपूर्ण चेतन मात्र ज्योति आत्मा की, उसके द्वारा वस्तु के स्वभाव से ही भगवान आत्मा के स्वभाव से दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष, ऐसे स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण होना नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसे स्वभाव से ही मैं परिपूर्ण हूँ। प्रभु बात तो अजब गजब की है। देखिए यहाँ पर आचार्य भगवान को वस्तु बतलानी है ना, वस्तु प्रकट कैसे हो, तो प्रकट करने का विधान बताते हैं कि यहाँ पे पर्याय की बात नहीं है प्रभु, इसके द्वारा मैं परिपूर्ण दर्शन ज्ञान से सामान्य विशेष से मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा स्वभाव है, यहाँ पर्याय की बात नहीं है, पर्याय ऐसा नहीं, वस्तु बतलानी है ना, वस्तु का स्वभाव क्या, चैतन्य ज्योति। देखिए बार बार चैतन्य ज्योति, चेतन ज्योति, आत्म ज्योति, स्वभाव ज्योति, ऐसा कह करके इसकी महिमा बतलाते कि तू ऐसा अनादि अनंत एक रूप परमात्मा है, अनादि अनंत तू ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, अनादि अनंत तेरा स्वभाव ऐसा है, तूने स्वभाव से कभी अपने आप को ऐसा देखा ही नहीं ना, तू जो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण यह है कि तू वस्तु की अस्थि जैसी है वैसी मानता नहीं है, अपने परिपूर्ण स्वभाव को परिपूर्णता से देखता नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ ऐसा होने से, ऐसा ऐसा होने से, करने से नहीं, बनने से नहीं, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा होने से, तू होने का प्रयत्न करता तू, लेकिन ऐसा है, तेरा स्वभाव ऐसा है, तेरी वस्तु ऐसी है, तू ऐसा है प्रभु, तूने कभी वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखा ही नहीं ना, एक बार देख ले वस्तु के वस्तु को स्वभाव से, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण, एक शुद्ध ममत्व रहित दर्शन ज्ञान से पूर्ण, ऐसा त्रिकाल स्वभाव तेरा है।
भगवान आत्मा त्रिकाल ममता रहित है, त्रिकाल ममता रहित है, और परिणाम के अंदर में ममता है, लेकिन क्या विपरीतता की भ्रांति है। पाप पुण्य के परिणाम मेरे में होता है, उसका कारण कर्म है, इसी विपरीत विपरीत बातें मानकर तो वस्तु के स्वभाव को नहीं समझकर भूल भ्रांति से संसार के अंदर में भटक रहा है। कारण कुछ भी नहीं है, कारण इतना है कि तो अपने स्वभाव को नहीं देखता। तूने स्वभाव को छोड़ा है और बाहर में जोड़ा है। भाई ये बात कहते थे हमेशा, तूने स्वभाव को छोड़ा है और बाहर में जोड़ा है अपने अज्ञान के कारण। उसका स्पष्टीकरण करेंगे आगे, कारण क्या, तो कि अपना अज्ञान, अपने स्वभाव जैसा है वैसा नहीं माना, स्वभाव का अज्ञान ये दुख का कारण है। बाकी सारी निमित्त आधीन दृष्टि, निमित्त से बात करके संयोग में क्या है उसकी बात करके, अपने स्वभाव के अंदर में नहीं होता इसकी बात करते हुए, व्यवहार से भेद से कोई ना कोई बात से उसका प्रतिपादन किया है। अपने से होता अपने उपाय, वास्तविकता है कि पर्याय के अंदर में जो होता अपने उपादान से होता, उपादान से होता पर्याय का अपना उस तत्समय की योग्यता है, तत्समय का अपना उसका उपादान है, उसकी वजह से होता है। दर्शन और ज्ञान का परिपूर्ण होने से यह कारण दिया, दर्शन और ज्ञान का परिपूर्णपना होने से, प्रभु दर्शन ज्ञान का परिपूर्णपना होने से है ये कारण दिया। मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। आहा हा क्या कहा प्रभु, ऐसा अंदर से निर्णय करने के लिए उपदेश देते हैं बात का कि स्वभाव से तू परिपूर्ण, ज्ञान दर्शन से तू परिपूर्ण है। पहले सामान्य और विशेष ऐसा कहा, दर्शन को सामान्य और ज्ञान को विशेष। अभी यहाँ पे कहते ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, अभी यहाँ पे ज्ञान को आगे रखकर दर्शन को बाद में रखकर ये बात बताई। पहले से सामान्य और विशेष शब्द रखे थे दर्शन और ज्ञान, यहाँ पहले ज्ञान और दर्शन रखा। मैं सामान्य और विशेष वस्तु के स्वभाव से सामान्य और विशेष द्वारा परिपूर्ण हूँ, इसलिए मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। पर्याय भी नहीं, पर्याय के अंदर में ज्ञान दर्शन पर्याय भी नहीं, मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, त्रिकाल ध्रुव परमात्म तत्व से परिपूर्ण हूँ, ज्ञायक तत्व से परिपूर्ण हूँ, अपने से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, सामान्य विशेष से परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण 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 और परिपूर्ण, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा और परिपूर्ण परमात्मा। तू प्रभु वस्तु को इस अभिप्राय से देख एक बार, तुझे ऐसा निर्णय करने का उपदेश देता है कि भगवत बात है, भगवत स्वरूप प्रभु वस्तु के स्वभाव से हो, वस्तु के स्वभाव से ही सामान्य विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तू प्रभु दुख से निवृत्त होना चाहता है ना, तो निवृत्त होने के इस प्रकार अंदर निर्णय कर। देखिए अंदर निर्णय कर, बात निर्णय की है। जब तक आज तक तूने निर्णय नहीं किया, तू सब कुछ जानता रहा, सुनता रहा, बोलता रहा, चर्चा करता रहा, आपस के अंदर में इसकी बातें भी करता रहा, इसका विचार भी करता रहा, लेकिन निर्णय नहीं किया। और निर्णय के अंदर में मक्कमता होती है, निर्णय के अंदर में श्रद्धान होता है, निर्णय ज्ञान में होता है, और ज्ञान में होने के बाद में ज्ञान जैसे जानता है श्रद्धा ऐसा मानता है, ज्ञान मार्ग दिखाता और श्रद्धा उसको अपनाती है, उसको मान लेती है, क्योंकि देखने वाला ज्ञान है, मानने वाला श्रद्धान है। तो ज्ञान जानता है और श्रद्धा मानती है। सुबह में चेतन भाई ने भी और लालचंद भाई जो दृष्टांत देते उस दृष्टांत दिया था अंधा का, अद्भुत दृष्टांत है। तो वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है प्रभु, तुझे निर्णय करना होगा, एक जगह पर तुझे आना होगा। जगत के अंदर में तूने आज तक विश्व के अंदर में रुलते हुए इस निर्णय पे तू कभी नहीं आया कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। पर्याय की बात ही नहीं है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूँ। यदि ऐसा विश्वास करे और स्वभाव के ऊपर आवे तो मार्ग बहुत सरल है, स्वभाव के ऊपर नहीं आवे तो मार्ग बहुत कठिन लगता है। आज तक बात समझ में नहीं आई, उसका कारण यह है कि तुझे राग का प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं है, आत्मा की वस्तु व्यवस्था का प्रेम नहीं। आत्मा में ज्ञान होता और ज्ञान स्व आत्मा है, ज्ञान स्व आत्मा है, ज्ञान स्व आत्मा है, मैं आत्मा हूँ,
ऐसा अभेद आत्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि तूने आज तक नहीं की। क्यों दृष्टि क्यों नहीं हुई? क्योंकि निर्णय नहीं हुआ। निर्णय क्यों नहीं हुआ कि तूने मक्कमता से दृढ़ता से आचार्य भगवंतों की बात सुनकर गुरुदेव की बात सुनकर विश्वास नहीं किया उसका। गुरुदेव श्री डंके की चोट पे दृष्टि के विषय की बात करे लेकिन तू दृष्टि के विषय पे आता ही नहीं। आता है तो खाली बोलने के लिए, चर्चा के लिए, कुछ न कुछ उसमें से बात निकालने के लिए। अभी प्रभु तेरा उपयोग सब जगह से सिमट जाना चाहिए। अभी चर्चा का समय समाप्त हुआ है, आत्मा के अंदर में जाने का वक्त आया है। आयु की स्थिति किसी को किसी की पता नहीं है कब आयु समाप्त हो जाए, और भव के अंदर में मिला ऐसा अनमोल अवसर, स्वर्णिम अवसर कब हाथ से चला जाए। प्रभु अभी तो गुरुदेव की जो धम धोकार जो बात आती है, धोरी मार्ग जिस तरह से प्रवाहित होता है, तुझे अभी तो बस बात का निर्णय करना है कि मैं हूँ कैसा। आचार्य भगवान तू कैसा है उसको बताते हैं, तू उसको इसके ऊपर विचार कर। विचार किए बिना हाँ मत करना, विचार करके निर्णय कर, निर्णय करके सविकल्प निर्णय कर, सविकल्प निर्णय में आ, सविकल्प निर्णय से निर्विकल्प हो जाएगा, विज्ञानगण हो जाएगा तो आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी। जितना विज्ञानगण होगा उतना आश्रव से निवृत्ति होगी। आश्रव से निवृत्त होने के लिए विज्ञानगण स्वभाव के ऊपर आना है, ज्ञायक परमात्म तत्व के ऊपर आना है। जब ज्ञायक परमात्म तत्व के ऊपर आता है तो मार्ग बहुत सरल है। तुझे निवृत्त होना चाहता है ना प्रभु, तू निवृत्त है ऐसा मार्ग बतलाते हैं। तू ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, तुझे अपूर्णता दिखती है लेकिन यहाँ कहते तू ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। तो ज्ञान दर्शन से मैं पूर्ण हूँ ऐसा विश्वास कर। देखिए ज्ञान सभी का आत्मा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है ऐसा नहीं कहकर मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तू अपनी बात कर, निर्णय तुझे स्वतंत्र करना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, उसके समझाने से तू समझ जाएगा ऐसा नहीं है। तू समझना चाहेगा तो समझ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने तो 45 वर्ष तक एक की एक बात समझाई है कि ऐसा तू है ऐसा मैं हूँ। गुरुदेव के ऐसा तू है तो तुझे ऐसा विचार करना, ऐसा मैं हूँ। गुरुदेव सामने दृष्टांत देते हैं कि सामने पुस्तक है ना, ये तो भगवत कथा, भागवत कथा, भगवान आत्मा की कथा है, वह ये कोई वार्ता नहीं है। भगवत स्वरूप प्रभु वस्तु के स्वभाव से ही, वस्तु के स्वभाव से ही परिपूर्ण है। देखिए वस्तु स्वभाव से ही परिपूर्ण है, और क्या चाहिए हमें? एक बार इसका विश्वास कर ले कि मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण है तो हो गया, भगवान मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, चारित्र में मुक्ति हो जाएगी अल्प समय के अंदर। पहले निर्णय तो कर प्रभु, अभी बातें करना बंद कर, अभी बात के अंदर में नहीं बतलाना, अभी तत्व की वस्तु की व्यवस्था को बतलाते हैं, उसका विश्वास कर, उसका निर्णय कर, स्वतंत्र निर्णय। गुरुदेव ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, परमागम में लिखा, तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि में आया, गणधर भगवंतों ने गूथा, ये सब कुछ बात सही है लेकिन सबका स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। गुरुदेव श्री दिशा दिखा देंगे लेकिन उस दिशा पे चलना तो अपने को है, दशा तो अपने को लानी होगी। और हमने कभी भी इसके पीछे नहीं पड़ा। ये मार्ग ऐसा है कि जो पीछे पड़ता है उसको मिलता है। दिन रात भूल जाए, खाना पीना भूल जाए, चलना फिरना भूल जाए, हंसना रोना भूल जाए, और एक शुद्धात्मा, एक शुद्धात्मा, एक शुद्धात्मा, एक चेतन मात्र ज्योति, एक चेतन ज्योति, एक आत्म ज्योति, एक ज्ञायक ज्योति, वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। देखिए मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसी स्वाभाविक वस्तु है, ऐसा मैं हूँ, स्वभाव से मैं हूँ। यदि ये बात समझ में आ जाए तो मेरी खास वस्तु है ज्ञायक प्रभु। दर्शन ज्ञान से पूर्ण है, दर्शन ज्ञान से पूर्ण है मैंने स्वभाव से पूर्ण है। मेरे को तो ये बात इतनी मीठी मधुरी लगती है कि यहाँ से हिलने का ही मन नहीं करता। जो दर्शन ज्ञान से पूर्ण है, अभी कहाँ जाना है, हमें किसको देखना है, मैं स्वभाव से परिपूर्ण, ये रहा परिपूर्ण, मैं ये रहा प्रत्यक्ष, ये रहा भगवान आत्मा, ये रहा मैं।
मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। देखिए फिर दूसरे पैराग्राफ में, ऐसा मैं अपने से परिपूर्ण हूँ, ऐसा निर्णय कर, जब निर्णय करते तो ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्यों की भ्रांति, जिससे आकाश आदि पांच द्रव्यों की सिद्धि करते हैं कि आकाश धर्मस्तिका अधर्मस्तिका काल पदार्थ, वैसे मैं भी आकाश आदि द्रव्य की भ्रांति दूसरे भी पांच द्रव्य के स्थापित करते हुए, जैसे वह वस्तु स्वतंत्र है वैसे मैं भी स्वतंत्र वस्तु, वो सब दूसरे से भिन्न विशेष है, वो सब के अंदर में दर्शन ज्ञान नहीं है, पांचों के अंदर में मैं दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होने से वो पांचों द्रव्यों से विशेष खास हूँ। खास देखिए शब्द है, जैसे आकाश आदि द्रव्यों की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, परम पदार्थ वस्तु विशेष हूँ, वास्तव में वस्तु विशेष मेरी दूसरे से भिन्न विशेष है। विशेष का अर्थ समझ में आया, दूसरे से वस्तु विशेष, खास वस्तु मेरी भिन्न है। देखिए छह द्रव्य पांच द्रव्य की अस्थि सिद्ध करके छठा द्रव्य मैं, अब छह द्रव्य के अंदर में वो जैसे पांच द्रव्य की अस्थि है उसके भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, परम पदार्थ वस्तु विशेष मैं हूँ। कैसा हूँ मैं, मेरे में जो है वो पांच पदार्थ के अंदर में नहीं है, बाकी अस्थि तो पांचों पदार्थ के अंदर में है, मेरे में भी है, वस्तु तो उसमें भी है, छह द्रव्य में है। मैंने कितने गुण होते हैं छह द्रव्यों के अंदर में, कॉमन द्रव्य गुण पर यह सभी के अंदर में है, लेकिन मैं उससे खास विशेष हूँ। दर्शन ज्ञान किसी के अंदर में नहीं होता है, पांच द्रव्य को नहीं जानते, ये पांच द्रव्य को जानने वाला मैं हूँ, जाननहार आत्मा मैं हूँ। तो ये कहते हैं कि मेरी भिन्न विशेष अर्थ या पर्याय और सामान्य ऐसा अभी नहीं लेना। धीरे से तो कहा जाता है बापू, ये तो चैतन्य की धर्म कथा है प्रभु, चिन्मात्र ज्योति का आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ ऐसा मैं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ ऐसा मैं। देखिए क्या अद्भुत वस्तु है ना, गुरुदेव श्री ने कितना करुणा की है, निष्कारण करुणा का अगाध समुद्र पूज्य गुरुदेव श्री थे, और इतना करुणा का सागर था कि उसकी क्या बात करें, उसकी करुणा की गुण गाथा गाई नहीं जा सकती। एक बात की प्रगाढ़ता कराने के लिए एक की एक बात को घुटाते हुए पक्की करवाते, कैसा तू निर्णय करके अनुभव में एक समय लगेगा, लेकिन निर्णय ही नहीं करेगा, खाली विचार ही करता रहेगा, खाली चिंतन ही करता रहेगा, मनन ही करता रहेगा, और अंतरंग के अंदर में निर्णय नहीं करेगा, मक्कमता पे नहीं आएगा, तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो कहते हैं वस्तु स्वभाव से ही, देखिए बात यहाँ पे कोई अपेक्षा से नहीं करते, कोई नहीं से नहीं करते, कोई विवेकशा से नहीं करते, वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से, सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ ऐसा मैं द्रव्य लेना है। आकाश आदि द्रव्यों की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, वास्तव में आत्मा खास दूसरे द्रव्य की भांति खास वस्तु विशेष हूँ। समझ में आया, ऐसी बातें हैं प्रभु, ऐसी बात ऐसे अब मुख सुखे तो ऐसी बातें अन्यत्र कहीं नहीं है। तो देखिए गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, ऐसी नहीं बापू भाई, क्या हो इसने रुचि से सुना नहीं, सुना है परंतु अंदर रुचि से सुना नहीं। ये गुरुदेव श्री का जवाब है सारा मुमुक्षु समाज को, मुमुक्षु जगत को, भव्य जीवों को, सुना है रुचि से सुना नहीं, अंदर रुचि से सुना नहीं, सुना है अंदर रुचि से सुना नहीं। प्रभु एक बार घात लगना चाहिए, घार पड़ना चाहिए, ये क्या कह रहे गुरुदेव, मैंने रुचि से आज तक गुरुदेव की बात नहीं सुनी, हम तो कितनी रुचि से कितनी भक्ति से कितने अवभाव से सुनते थे। तो कहते रुचि से परंतु अंदर रुचि से सुना नहीं, कैसे हो वस्तु कैसे मिले, क्यों मिले बताओ आप। यदि मैं परमात्मा होने का ही प्रयत्न किया करूं,
जबकि परमात्मा प्रभु बैठा है, खड़ा है, दर्शन देता बैठा, अनादि अनंत काल से एक ही काम कर रहा है, अनादि काल से एक ही काम कर रहा है, दर्शन देता बैठा हुआ है, बिल्कुल नवरास नहीं है उसको, बिल्कुल शुष्क नहीं है, पूरा भरा पड़ा है, त्रिकाल 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 स्वभाव से परिपूर्ण। तो फिर इस मोक्ष के साथ जड़ के साथ तुलना क्यों की है? तो कहते हैं द्रव्य है, द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं जिसे वे द्रव्य है वैसे मैं भी खास विशेष द्रव्य हूँ। अब द्रव्य की बात है ना, तो बाकी पांच भी द्रव्य है, वो खाली द्रव्य है और मैं द्रव्य नहीं हूँ, या मैं द्रव्य हूँ और वो द्रव्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं जिसे वे द्रव्य है वैसे मैं भी खास विशेष द्रव्य हूँ, ऐसा जिसे वे आकाश आदि पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है, स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है, वैसे मैं भी एक आकाश आदि द्रव्य की भांति वस्तु विशेष खास भिन्न हूँ। समझ में आया? ऐसा आकाश आदि द्रव्य की भांति वास्तव में अर्थात पारमार्थिक 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 विशेष, काल्पनिक नहीं, ये तो पारमार्थिक विशेष। देखिए एक वाक्य के अंदर में चार बार पारमार्थिक शब्द का प्रयोग किया। परम पदार्थ, मेरा पदार्थ परम पदार्थ है, वस्तु विशेष है, खास वस्तु विशेष है, खास वस्तु विशेष। ये देखिए कितने हर्षित से, उमंग से, उल्लास से गुरुदेव श्री बताते हैं। अरे बात सुनकर अपने को तो ऐसा उल्लास होना चाहिए जाना जिसे भगवान का भेटा करने जाते हैं। भगवान से आमंत्रण आया, पत्रिका आई, निमंत्रण पत्रिका आई, तो तू आ जा हमसे भेटा करने के लिए। तब यदि ये बात पता चल जाए तो कितने हर्ष उल्लास के साथ में वो भगवान का भेटा करने जाए, उछलता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ, आनंदित होता हुआ। ये अवसर ऐसा है प्रभु, आनंदित हर्षित होता हुआ, उछलता हुआ भगवान आत्मा का भेटा करने चल प्रभु। ये भगवान साक्षात विद्यमान है, विराजमान है, हाजरा हजूर है। देखिए क्या कहते हैं, आकाश आदि जो पदार्थ है वो वस्तु है, द्रव्य है, स्वतंत्र है, स्वयं सिद्ध है, वैसे मैं भी एक आकाश आदि द्रव्य की भांति वस्तु विशेष खास भिन्न हूँ। उसी की तरह मैं भी द्रव्य हूँ, उसी की तरह आकाश आदि द्रव्य की भांति वस्तु विशेष खास भिन्न हूँ। वस्तु को समझने का यह अवसर है प्रभु। यदि इस बात को यदि एक बार समझ ले तो वस्तु विशेष मैं कैसा, इसकी महिमा आए बिना नहीं रहेगी, और महिमा आती है तो स्वभाव के अंदर में जमे बिना नहीं रहेगा। प्रवृत्ति का निरोध तो अपने आप होगा और स्वभाव के अंदर में लीनता भी सहज में होगी, स्वभाव की अनुभूति भी सहज में होगी। लेकिन पहले निर्धार तो कर, निर्णय तो कर। तूने ऐसा निर्णय एक समय के लिए भी नहीं किया, तू खास विशेष द्रव्य है, मैं खास विशेष हूँ, उनसे भिन्न हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, ऐसी वस्तु की व्यवस्था को एक बार देख प्रभु। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ममता रहित, पुण्य पाप भाव पुद्गल के प्रभु। ये बात तुझे सहज अंदर से इतनी बार गुरुदेव ने की है, गाथाएं प्रवचन इस बात को गुरुदेव श्री ने बताया है। हर्ष और उल्लास और उमंग के साथ इस बात को स्वीकार करना प्रभु। तूने कभी इसके बारे में निर्णय ही नहीं किया, तू हमेशा परमात्मा होना चाहे लेकिन परमात्मा हो इस बात का स्वीकार नहीं किया, इकरार नहीं किया। और जब गुरुदेव श्री सर्वांगी तरफ से आज चेतन तत्व को, आत्म ज्योति को, चेतन ज्योति को स्वभाव से ही परिपूर्णता बतलाकर, वस्तु की अद्भुतता बतलाकर हथेली के अंदर में आत्मा, भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, दिखा रहे हैं और अपन देखते नहीं। क्या हुआ है तुझे प्रभु? एक बार जाग रे, जाग चेतन जाग। ये अवसर आया है, अमूल्य अवसर, अनमोल अवसर। गुरुदेव श्री ने सुबह कहा कि चक्रवर्ती का राज्य देने से भी न मिले, ऐसी तेरी वस्तु है प्रभु, ऐसी ये वाणी है। चक्रवर्ती का राज्य देने से वाणी न मिले, ऐसी वाणी तुझे आज सतत निरंतर धारावाही पने मिल रही है,
अभी एक बार जाग जा चेतन और मैं परमात्मा हूँ इसका निर्णय कर। अभी निर्णय करने की चर्चा चल रही है, फिर सविकल्प के अंदर में और निर्विकल्प की चर्चा आगे चलेगी। अपन स्वभाव से ही परिपूर्ण, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ इस बात को अंतरंग के अंदर में बिठाते हुए, इसका निर्धार करते हुए, निर्णय करते हुए, स्वभाव से ही मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ ऐसा विश्वास करे सभी जीव, ऐसी मंगल हो।